नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर विधानसभा में। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता राजेश्वर सिंह जी, जो इस बार फाजिलनगर से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार है। आइए हम उनसे जानते हैं और उनसे आपको भी मिलवाते हैं। सीधे रूबरू होते हैं राजेश्वर सिंह जी से। मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वर सिंह है। फाजिलनगर विधानसभा समाजवादी भावुक विधायक पद का प्रत्याशी हूँ। फाजिलनगर विधानसभा से मजबूती के साथ आपने फाजिलनगर विधानसभा से सपा से टिकट मांग रहे हैं, क्या लग रहा है? अगर टिकट मिलता है तो फाजिलनगर के बारे में क्या आपकी सोच है? फाजिलनगर के विषय में विशेष रूप से जैसे सड़कें हैं, शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लोगों को पानी खाद सस्ता मिले, खाद्यान्न वस्तु सस्ता मिले, इसमें फाइनल के क्षेत्र के आम जनता के लिए मांग करूँगा और कोशिश करूँगा कि हमारी सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो सबके लिए समान रूप से एक व्यवहार रूप में अपनाएंगे। अभी आप क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं, किन किन ग्राम सभाओं में गए हैं और क्या जनता का अभी जो फीडबैक है वो क्या है? देखिए, मैं राजा पाकर, उजारनाथ, भैंसा, डलवा और अनेक गांवों में मैं गया हुआ हूं, अभी जा भी रहा हूं। लोग सभी फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के इस महंगाई, इस बेरोजगारी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इस समाज के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे छात्रों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था हो या 300 यूनिट फ्री हो, इस सबके लिए सभी रूप से समान व्यवस्था करने जा रहे हैं, करेंगे। अखिलेश यादव जी तमाम देखा जा रहा है घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता इस बार उनकी बातों को मानकर फिर से सरकार मिलाएगी उनको? बिल्कुल लाएगी, पहले से ही जनता मन बना चुकी है कि इस महंगाई, इस बेरोजगारी में हमको समाजवादी पार्टी को जिताना है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, वह सब पर ध्यान देंगे, समाज के हर वर्ग को ध्यान देंगे, सबके खुशहाली के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे और जो घोषणाएँ कर रहे हैं वो अपने बुद्धि विवेक से कर रहे हैं और वह निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो नियम लागू करेंगे जिससे कि जनता खुश रहे। फाजिलनगर विधानसभा में आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अगर फाजिलनगर में विधानसभा किस चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है कि अगर जनता आपको विधानसभा भेजे तो सबसे पहले वो कार्य करें आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्योंकि फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र बेल्ट में पड़ता है, यहाँ पर बारिश होती है तो पानी लगा रहता है, तमाम तरह के रोग होते रहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो व्यक्तिगत नॉलेज है कि स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद से शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो छात्र पढ़ने जा रहे हैं उनको बैठने के लिए, उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था और तमाम सुविधाएँ जो स्कूल में एक बच्चे की शिक्षा देने के लिए है, लैपटॉप की व्यवस्था वो आवश्यक है।